हेलो माय यूट्यूब फैमिली, यार कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। तो गाइस, बहुत दिनों बाद में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ पेज स्मूथ एडिटिंग वीडियो। तो इसके लिए मैं देख पा रहे हो कुछ इस टाइप का पेज स्मूथ करना सिखाऊंगा, वो भी गाइस पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की मदद से। गाइस, अगर आपको पेज स्मूथ करना नहीं आता है तो यार इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको फुल वॉच करना होगा, तो आप भी अपने पेज को कुछ इस टाइप से स्मूथ करना सीख जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार वीडियो को बिना स्किप किए आपको फुल वॉच करना होगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो पास में घंटे ना उसको ऑल में कर लेना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो कर लेते यार वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा गैस, जिस फोटो का पेज को स्मूथ करना होगा ना उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने गैस इसी फोटो का पेज स्मूथ करना है। तो फोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर आइकन में क्लिक कर लेना होगा। शेयर आइकन में क्लिक करने के बाद फोटो को शेयर करना होगा आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो ऐप्स आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पिक्सआर्ट, इसके अंदर मैं फोटो को शेयर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमारा फोटो आ चुका है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर आ जाने के बाद आपको तीन नंबर में इफेक्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। इफेक्ट में क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। नीचे ऊपर आपको फिल्टर देखने मिलेंगे और नीचे ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको स्क्रॉल करना और आपको ब्लर वाले ऑप्शन में जाना होगा, ठीक है। ब्लर में आपको क्लिक कर लेना होगा, और ब्लर में क्लिक करने के बाद गाइस आपको फर्स्ट वाला जो ब्लर है ना इसमें आपको क्लिक कर लेना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद एक बार इसमें टैप करना होगा। टैप करने के बाद जो ऊपर वाली लाइन गाइस ये 15 हो रही ना, तो इसको इंक्रीज कर लेना आपको, यहाँ से इसको रख लेना आपको 50 कर देना, ठीक है। 50 हो जाने के बाद फाइनली ऊपर क्या देखने मिलेगा आपको, इरेज वाला ऑप्शन, ठीक है। इरेज में आपको क्लिक कर लेना होगा। इरेज में क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको ब्रश ले लेना होगा यहाँ से, ठीक है। ब्रश की साइज को कुछ इस हिसाब से रखना है, ठीक है। जूम कर लेना है ऐसे, और अपने पेज में इस प्रकार से आपको ब्रश चला लेना होगा। तो यहाँ पर देखते हो गाइस, मैं जैसे जैसे ब्रश को चला रहा हूँ अपने पेज के ऊपर, तो यहाँ पर स्मूथ होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए कितना कमाल का हमारा जो पेज है वो स्मूथ हो रहा है। तो इस टाइप से पूरे पेज के ऊपर अच्छी तरीके से ब्रश की साइज़ को कम ज़्यादा कर लेना आप, और इस टाइप से आपको स्मूथ कर लेना होगा। तो यहाँ पर देखते हो काफ़ी तगड़ा रिजल्ट आ रहा है आपके सामने। यहाँ पर देखिए कितना ऑसम तरीके से हमारा जो पेज है वो स्मूथ हो पा रहा है। तो इस टाइप से आपको जहाँ जहाँ स्मूथ करना है ना वहाँ वहाँ आप ब्रश को ऐसे ऐसे चला लेना होगा। तो यहाँ पर देखते हो काफ़ी तगड़ा रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो इस टाइप से आप अपने पेज को आप स्मूथ कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हो गाइस बहुत ही मस्त तरीके से पेज स्मूथ हो पा रहा है। तो इस टाइप से जैसे जैसे आपको स्मूथ करना होगा ना वहाँ वहाँ आप ऐसे ऐसे ब्रश को चला लेना होगा। तो देखते हो गाइस कितना हो सम तरीके से यहाँ से ब्रश की साइज को यहाँ पर जाना, और इसको कम कर लेना होगा यहाँ से, ठीक है। और नीचे वाले को भी कम कर लेना होगा ऐसे, और ऐसे ऐसे चला लेना होगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना, और अच्छी तरीके से अपने पूरे पेज को स्मूथ कर लेना होगा आपको, ठीक है। तो देख सकते हो यार रिजल्ट काफ़ी तगड़ा आ रहा है आपके सामने यहाँ पे। देखते हो दोस्तों, तो इस टाइप से स्मूथ कर लेना होगा। तो यहाँ पर देखते हो गाइस हमारा जो पेज है वो स्मूथ हो गया। तो स्मूथ हो जाने के बाद गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ रह गए वहाँ जूम करना और ऐसे ऐसे आपको स्मूथ कर लेना होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनली ऊपर एक राइट वाला आइकन में क्लिक कर लेना होगा आपको। राइट वाला आइकन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हो गाइस बिफोर एंड आफ्टर कितना होसम तरीके से हमारा जो पेज है वो हो गया। होने के बाद गाइस आपको टूल्स में जाना होगा, ठीक है। टूल्स में जाने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सर्च टूल में क्लिक कर देना होगा, और स्क्रॉल का साथ माइनस कर लेना होगा यहाँ से, ठीक है। माइनस है और स्क्रॉल करके इधर आ जाना होगा। आने के बाद गाइस आपको इसमें क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और इसको भी यहाँ से हल्का सा माइनस कर लेना होगा, माइनस 6, और यहाँ से शेडोज में क्लिक करके और इसको भी माइनस कर लेना होगा यहाँ से, ठीक है। इसको माइनस रख लेना यहाँ से 17, ठीक है। और फिर आपको इस वाले इसमें क्लिक कर देना ह्यू पे, और ह्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इस प्रकार से पेज का कलर चेंज कर लेना। यहाँ से देखते हो इसको 16 प्लस कर देना, और फाइनली कर देना यहाँ से राइट में क्लिक। अब देखते हो गाइस हमारा जो पेज है वो कितना होसम तरीके से हो गया। यार देखते हो यार ऐसा था और ऐसा हो गया। तो फाइनली गाइस हमारा जो पेज है वो कंप्लीट हो गया, स्मूथ हो गया। तो डाउनलोड करने के लिए ऊपर डाउनलोड आइकन में क्लिक कर देना, गैलरी में सेव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी कमाल की वीडियो को देखने यार चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो पास में घंटे उसको ऑल में कर लेना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियो में, जब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।